Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now, I am present here for discussing about solid, liquid and gas from lesson 7, class 5 standard student. You have already learned about herbivore, carnivore, omnivore, scavenger, interdependence of plant and animal relationship. Now, you have to learn about matter, molecule, atom from lesson 7. Matter, what is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. Jo bhi kuch jayega jud ke rehta hai, jaise chair, table, brick, ink, kuch bhi table, chair, कुछ जाएगा जुड़ के रहता है और उसका कुछ वेट भी आए उसे कहता है मैटर. थ्री स्टेट्स मैटर का, हाउ मेनी स्टेट्स? थ्री स्टेट्स. क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड मतलब क्या है? टेबल, चेयर, कुछ भी, डस्टर, चॉक. लिक्विड मतलब क्या है? जैसे वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जूस. और गैस मतलब क्या है? जैसे एयर. यार होते गैस, और गैस और भी हो सकता है, जैसे तुम जो स्प्रे यूज करते हो सेम, ये भी एक गैस टाइप. अच्छा, मॉलिक्यूल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो छोटा छोटा पार्टिकल के द्वारा फॉर्म है उसे कहता है मॉलिक्यूल्स. जैसे ईंट, एक बड़ा ईंट, उसके अंदर छोटा छोटा बहुत ईंट है, ईंट मिलके वो बनता है. टेबल, चेयर जो वुड से बनाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है? वुड है. पहले वुड होच्चे टेबल चेयर का मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. और मॉलिक्यूल्स भी और छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है उसे क्या कहते हैं? एटम्स. जैसे बड़ा बड़ा काट जुड़ के टेबल चेयर बनता है, और उस काट के अंदर भी छोटा छोटा काट होता है, ऊट का टुकड़ा होता है, उसे कहता है एटम्स. अच्छा, आफ्टर हीटिंग वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड कूलिंग वाटर, नो मॉलिक्यूल चेंज NGE. अर्थात वाटर को जब हीट करोगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, और जैसे पानी को जो बॉयल करोगे तो उसके ऊपर दिखोगे थोड़ा धुआं निकलता है, उसे कहता है वाटर वेपर. तो वाटर वेपर बन के धीरे धीरे वो चला जाएगा, फिर उसको ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो क्या होगा? फिर वो वाटर में बदल जाएगा. जैसे पानी को फ्रिज में डालोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को फ्रिज से बाहर लाओगे तो क्या होगा? वो फिर वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा. तो ऐसे मैटर का, मॉलिक्यूल का कोई चेंज नहीं होता है. नो मॉलिक्यूल चेंज. स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज इंटर मॉलिकुलर स्पेस. देखो, मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेस होता है, ये सब मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिकुलर स्पेस. मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेस है. अच्छा, सॉलिड में देखो मॉलिक्यूल एकदम पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड. जैसे मॉलिकुलर स्पेस कम होता है, सॉलिड इसलिए बहुत हार्ड है. लिक्विड में थोड़ा हल्का सा है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है. और गैस में देखो और भी लूज है, और इंटर मॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. सॉल्युबिलिटी मींस इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंसेस. अर्थात कोई भी सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस के अंदर जब डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, जैसे वाटर में तुम शुगर मिलाओगे, सॉल्ट मिलाओगे, तो क्या होगा? वाटर के साथ मिल जाएगा, घुल जाएगा.
व्हिच डिजॉल्व्स, जो मिल जाता है इज सॉल्यूट, उसे कहता है सॉल्यूट। जैसे सुगर सॉल्ट, इसको क्या बोलता है सॉल्यूट, ये मिल जाता है। एंड द सब्सटेंस इन व्हिच ए सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वाटर, जिसके अंदर वो मिल जाता है उसे कहता है सॉल्वेंट। मतलब सुगर सॉल्ट ये सब है सॉल्यूट, ये वाटर के अंदर मिल जाता है। और वाटर होच्छे सॉल्वेंट क्योंकि वाटर के अंदर वो मिल जाता है। अर्थात लिक्विड होच्छे सॉल्वेंट, लिक्विड वाटर सॉल्वेंट, और सॉलिड जो है सुगर सॉल्ट ये सब होच्छे सॉल्यूट, जो वाटर के अंदर मिल जाता है। और ये दो मिलके एक सॉल्यूशन बन जाता है। अंडरस्टैंड नाउ, लर्न एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन 7। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।